हेलो माई डियर यंग व्यूवर्स माई स्कॉलर्स यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थाट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ इंग्लिश बीहाइव पोम फोर द लिक आइसल ऑफ इन इस फ्री के टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर और इसमें हम पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी दिस इज़ माय हम रिक्वेस्ट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक like, शेयर कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि मुझे अपनी कोई भी गलती हो तो पता चले और आपको अलग से प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड करना है वो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द सेम मटीरियल ओके ना लेक का मीनिंग होता है पतली धारा पानी की आइसल इज द आइलैंड इन एस फ्री जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड मैं कहती हूँ नहीं है दैट दिस इज द ओरिजिनल प्लेस रियल प्लेस है जो कि आयरलैंड में है और ये जो जगह है बिल्कुल आइसोलेटेड है पीसफुल है नेचुरल ब्यूटी के साथ है इन द लैप ऑफ नेचर है ओके नाउ टेक्सुअल क्वेश्चन एंड आंसर थिंकिंग अबाउट द पोम पोम के बारे में जो है वट काइंड प्लेस इज इन फ्री थिंक अबाउट इन किस तरह का स्थान है नंबर वन द थ्री थिंग्स द पोइट वॉन्ट्स टू डू वेन ही गोज़ बैक देयर ये स्टैंडर वन के अकॉर्डिंग है कि तीन चीज़ें जो कि पोइट करना चाहता है जब वो वापस इन जाएगा इनस्फ्री इज़ अ सिंपल एंड पीसफुल प्लेस इनस्फ्री एक साधारण शांति से भरा स्थान है इट इज़ सिटुएटेड इन आयरलैंड ये आयरलैंड में स्थित है इट इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी ये प्राकृतिक सुंदरता से भरा है इट लुक्स गॉर्ज इन नून ये दोपहर के समय बहुत ही गॉर्जस चमकीला भड़कीला लगता है एंड ग्लीमरस एट नाइट और मिड नाइट और रात के समय ये चमचमाता है इट इज़ अ प्लेस फुल ऑफ नेचुरल साउंड्स ये वो जगह है जो कि प्राकृतिक आवाज़ों से भरा है प्राकृतिक आवाज़ें कौन सी होती हैं चिड़ियों की चहचहाहट, पत्थरों पेड़ों की पत्तियों की रसलिंग साउंड क्रिकेट की सॉन्ग ग्रास होपर की सॉन्ग ये सब कुछ जो है वो नेचुरल साउंड्स हैं इट हैज सूदिंग एटमॉस्फेयर इसका एटमॉस्फेयर uh, बहुत ही धैर्य बंधाने वाला है इट्स ब्यूटी अट्रैक्ट्स माइंड एंड हर्ट इसकी सुंदरता मन और दिल दोनों को आकर्षित करती है नंबर टू ही हीस एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम पोइट वहाँ जाकर क्या सुनता है क्या देखता है और इसका पोइट के ऊपर क्या प्रभाव होता है स्टैजा नंबर टू के अकॉर्डिंग ही हियर्स द साउंड ऑफ नेचर वो प्रकृति की आवाज़ को सुनता है ही हियर्स क्रिकेट सिंगिंग वो क्रिकेट की झिंगुर की गाने की आवाज़ सुनता है बजिंग ऑफ द बीज और मक्खियों के भिन्न भिन्न गाने की, भिन -भिन की आवाज़ सुनता है ही शोज़ पर्पल ग्लो ऑफ आफ्टरनून वह देख वह दिखाता है, है, है बैंगनी रंग की चमक दोपहर की एंड ग्लिमर एंड शाइन इन मिड नाइट और वो दे, देखता है या दिखाता है आधी रात के समय की चमक इवनिंग इज फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स लेनेट एक ब्राउन ग्रे कलर का पक्षी होता है फुदकने वाला और इवनिंग शाम जो है लिनेट के विंग की तरह लिनेट के पंखों की तरह लगती है ही इज डलाइटेड एंड गेट्स पीस ऑफ माइंड वो बहुत खुश हैं यहाँ पर पोज और उसे मन की शांति मिलती है वॉट हीयर्स इन हीज हार्ड स्कोर अपने मन के एक कोने से वो क्या सुनता है इवन वेन ही इज फार अवे फ्रॉम इन फ्री जब वो इन फ्री से दूर होता है तब भी अपने मन के कोने से क्या सुनता है स्टैंडर नंबर थ्री के अकॉर्डिंग ही हेयर्स द लेक वाटर लैपिंग वो सुनता है नहर का पानी जाकर टकराता है स्ट्राइकिंग और अटैक करता है द बैंक किनारे पर विद लो एंड सूदिंग साउंड एक धीमी सी मन को अच्छी लगने वाली कानों को अच्छी लगने वाली आवाज आवाज में में नहर की आवाज को सुनता है है। जब वो शहर होता और अब तक तो आपने निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि Innisfree एक साधारण प्राकृतिक जगह है सुंदरता और शांति से भरा हुआ हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट इट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड पोएट इस समय जहाँ खड़ा है उसके साथ इन स्फ्री की वो तुलना करता है पोएट इस समय कहाँ खड़ा है सिटी में शहर में ना उसके साथ और इन फ्री के साथ इसकी कंपैरिजन आप कर सकते हैं खुद भी द पोइट इज स्टैंडिंग ऑन द रोडवे पोइट खड़ा है सड़क के किनारे एंड द पेवमेंट्स और पटरियों पर ही यूजेज द वर्ड ग्रे टू डिस्क्राइब देम और वो यूज़ करता है शब्द ग्रे कलर वो यूज़ करता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए और वहाँ के जो एटमो द पोइट इज स्टैंड ऑन द रोडवे रोडवे पे खड़ा है पटरियों पर खड़ा है यूज इज द वर्ड ग्रे टू डिस्क्राइब दम और पटरियों को रोड को डिस्क्राइब करता है ग्रे कलर से ओके ही कॉन्ट्रास्टेड द पीसफुल एंड ट्रैंकुल एटमोसफेयर ऑफ इन एस फ्री और वो इन फ्री के स्पैन थोड़े मिस्टेक हो गए आई डबल एन आई एस एफ आर डबल ई आई एस और एड कर लेंगे यहाँ पे आप तो जो पोइट है यहाँ आई ये यह देखिए यहाँ पर आई डबल एन आई एस एफ आर डबल ई इन फ्री ओके तो यहाँ पर द पोएट इसको ठीक कर लेंगे इन फ्री को तो द पोएट इज इन द सिटी पोइट जो है कॉन्ट्रास्ट करता है शांति और सौंदर्य से भरा एटमॉस्फेयर है इन इस फ्री का द पोइट इज़ इन द सिटी पोइट शहर में है ही फाइंड्स इट्स लैंड बैरन एंड ड्राई और वहाँ पर पोइट को जो ज़मीन है वो बिल्कुल अनुपजाऊ लगती है और सूखी हुई लगती है इट डज़ नॉट हैव एनी ब्यूटी एंड पीस और उस ज़मीन के ऊपर कोई सुंदरता शांति नहीं है इन इज फ्री इज़ फ्री फ्रॉम द डस्ट एंड डिन इन इस फ्री जो है वो शोर और धूल मिट्टी से बिल्कुल अलग स्थान है डू यू थिंक इन इस ट्री इज ओनली अ प्लेस क्या आपको लगता है इन इस फ्री एक सब जगह है और अ स्टेट ऑफ माइंड या फिर पोइट के मन की दशा है डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ इज बॉयहुड डेज क्या पोइट वाकई अपने लड़कपन के दिनों का जब वो छोटा लड़का था उस दिनों को उस जगह को सोचकर मिस करता है या नहीं द हार्ट टचिंग एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ इन इस फ्री इज नॉट द इमेजिनेशन ऑफ पोइट मन को छूने वाली प्राकृतिक सुंदरता इनेश्वरी की पोइट की कल्पना नहीं है इट इज़ अ रियल प्लेस इन आयरलैंड ये आयरलैंड में एक वाकई एक जगह है इट गिव्स अ सोलेस टू हिज इनर सेल्फ ये उसके भीतरी मन को शांति मोक्ष देती है इट इज़ फ्री फ्रॉम द बोर्डम ऑफ द सिटी ये सिटी के शहर के उबाऊपन से पूरी तरह आज़ाद है येट द पोइट मिसिज़ द प्लेस ऑफ इज चाइल्ड हुड लेकिन फिर भी पोइट अपने बचपन की जो जगहें हैं उनको याद करता है ही राइड्स इन द पो पोम इवन वेन ही इज़ अवे फ्राम इन फ्री पोम में बताता है कि जब वो इन फ्री से दूर है ही रिकॉल्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर वो याद करता है नहर के पानी को जो कि जाकर टकराती है चट्टानों से ही मिसेज़ द प्लेस और वो उस जगह को जो है मिस करता है द प्लेस अलाट बहुत ज़्यादा लुक एट द वर्ड्स और द फ्रेजिज टू डिस्क्राइब वॉट ही सीज एंडर्स एट इन फ्री ओके इन वर्ड्स और फ्रेजिज को देख करके आपको जो है डिस्क्राइब कर करना है कि इन कैसी जगह है बी लाउड ग्लेड बी लाउड ग्लेड दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ हाइव ये जो शब्द हैं वो क्रिएट करते हैं हाइव हाइव हाँ, मक्खी का छत्ता एंड हनी भी और मधुमक्खियों को बजिंग ऑल अराउंड जो कि चारों ओर भिन आ रही हैं उनको बताता है बी लाउट ग्लेड का यही मीनिंग है वन कैन हियर द नेचुरल साउंड ऑफ द नेचर इन द फॉर्म ऑफ बीज एक व्यक्ति प्राकृतिक आवाज़ को प्रकृति में मक्खियों के माध्यम से सुन सकता है ये जो मक्खियाँ है क्या है द पार्ट ऑफ द नेचर ना बी ईवनिंग्स फुल ऑफ लेनेट्स विंग शाम में शाम जो होती है लेनेट एक पक्षी होता है फुदकने वाला जिसका ब्राउन और ग्रे कलर होता है उसके पंखों की तरह शाम लगती है कहाँ पर इन फ्री में दीज वर्ड्स इमेज ऑफ फ्लाई इन इमेज बनाते हैं नाम के के पक्षी की जो कि शाम के समय आसमान में उड़ता है। ब्राउन ग्रे कलर का एक फुदकने वाला पक्षी होता है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड नहर का पानी जाकर टकराता है धीमी आवाज के साथ द लेक वाटर स्ट्राइक स्लोली अगेंस्ट द बैंक एंड रॉक्स और नहर का पानी जाकर टकराता है किनारे और चट्टानों से द साउंड इज स्लो एंड सॉफ्ट आवाज धीमी है और कानों को अच्छी लगने वाली मधुर है इट्स साउंड क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ इन फ्री इन इज माइंड और इसकी आवाज़ क्रिएट करती है इन इस फ्री नाम की जगह को उसके दिमाग में लुक एट दीज वर्ड्स पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स वॉट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू कि जो शांति है ड्रॉपिंग स्लो एक एक बूंद करके सुबह के पर्दे से निकल कर आती है इन शब्दों का क्या अर्थ है वॉट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो आप क्या सोचते हैं कम्स ड्रॉपिंग स्लो के बारे में फ्राम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग सुबह के पर्दे से वट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन और जहाँ पर झींगुर गाते हैं इसका क्या मतलब है दीस वर्ड्स मीन दैट देस पीस एंड ट्रैंक्वलिटी इसका मतलब है झींगुर की आवाज़ आने का मतलब क्या कि झींगुर की आवाज़ जब भी सुनाई देगी जब वहाँ चारों तरफ शांति है पूरी तरह से सन्नाटा है पूरी तरह एक ऐसा वातावरण है जो कि मन को अच्छा लगने वाला है बहुत ही ट्रैंक्ल है ऐसा वातावरण पीस कम स्लोली एंड सॉफ्टली वन द कवर ऑफ द मॉर्निंग रिमूव्स शांति धीमे धीमे बहुत धीमे धीमे और प्यार से आती है जैसे ही सुबह का पर्दा हटता है सुबह का पर्दा हटने का मीनिंग जैसे ही सवेरा होता है अर्ली मॉर्निंग होती है धीमे धीमे ध, अंधेरा हट जाता है डार्कनेस डिस एंड द मॉर्निंग लाइट हर चीज़ पर धीमे धीमे पड़ती है नाउ द फ्रेज टू वेयर द क्रिकेट सिंग ये जो फ्रेज है जहाँ पर झिंगुर गाते हैं ये दिखाता है द प्लेस इज क्लोज टू ग्रास ये दिखाता है कि ये जगह इन एज फ्री घास के और झाड़ियों के नज़दीक है वन कैन फाइंड क्रिकेट इन ग्रास एंड बुशेस इन द ग्रासी एरिया एक व्यक्ति झिंगुर को देख सकता है घास और झाड़ियों वाले स्थान में ग्रासी एरिया में घासदार क्षेत्र में वी कैन हियर द साउंड ऑफ क्रिकेट और घासदार क्षेत्र में हम क्रिकेट की आवाज़ को सुन सकते हैं ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर स्कॉलर्स